फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी खूबसूरत फूल वाले पौधे पे बात करने वाले हैं। सदाबहार का फूल है, बहुत ही खूबसूरत सदाबहार का फूल होता है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल आसानी से उगाने वाला ये पौधा है, तो आप सब आज के वीडियो में लास्ट तक जरूर ही बने रहना, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है सदाबहार के बारे में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने बगिया में। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको जरूर ही पसंद आए, और वीडियो पूरे ज़रूर देखना। अगर ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, और हमारे चैनल एंडी लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप सब अगर वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक मौज कहीं पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर करना। तो मौज और इंस्टाग्राम पे एंडी लवली गार्डन के नाम से ही है चैनल, और फेसबुक पे बीझा के नाम से पेज है जिस पे मैं गार्डनिंग वीडियो डालती हूँ। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सदाबहार के फूल होते हैं, और इसको हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं, बिल्कुल कम केयर में ये पौधा लग जाता है फ्रेंड्स। और इसको तो ज़रूर ही लगाएं, अगर एक बार आप इस पौधे को अपने बगिया में शामिल कर लोगे तो कभी भी आपका साथ छोड़ के जाने वाला ये पौधा नहीं है। ये दो जो है ये देसी वैरायटी है, और देसी बहुत अच्छे से फूल आते रहते हैं। अगर हम इसका पॉट थोड़ा अच्छे से बड़े साइज में और अच्छे से मिट्टी बना के बनाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से ये पौधा चलता रहता है। और हाइब्रिड भी आते हैं, हाइब्रिड में बहुत सारे कलर आते हैं। ये जो पौधा है ये हाइब्रिड में है, पर ये देखिए मैं छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगाई हूँ, इसमें मैं पानी बहुत कम देती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से इसमें फूल आ रहे हैं, और फ्रेंड्स इसके पौधे काफ़ी लंबे हो गए हैं देसी की तरह। वैसे देसी का पौधा काफ़ी लंबा हो जाता है, पर हाइब्रिड का छोटे और ज़्यादा फैले में रहते हैं फ्रेंड्स। तो उसको हाइब्रिड को हम छोटे पॉट में लगाएं तो सही है, मिट्टी के पॉट में लगाना बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें ना फंगस बहुत जल्दी लग जाते हैं हाइब्रिड में। ये हाइब्रिड है, पर इसके कलर बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें ना बहुत सारे कलर आते हैं। देसी में दो ही कलर आते हैं, दोनों कलर मेरे पास है, बहुत अच्छे से खिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसको लगाना बहुत ही आसान है। इस पे फ्रेंड्स बहुत सारे बीज बनते हैं और बहुत सारे फूल आते हैं, बहुत सारे बीज बनते हैं। तो इस पे जो भी बीज बनते हैं उसको अगर आपको पौधे उगाना है तो उस बीज को कलेक्ट करके रख लो, और नहीं तो जिस पॉट में ये झड़ता है तो वहाँ बहुत सारे पौधे उगते रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ सदाबहार पे हमेशा ध्यान रखना कि इसमें ना पत्ते में पानी नहीं देना, मिट्टी में पानी देना है। पत्ते पे पानी देते हैं ना तो इसमें वो पत्ते में फंगस से लग जाती है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करना है कि आप मिट्टी में पानी दो, पत्ते पर नहीं। अभी बारिश का टाइम है तो देखिए इसमें बहुत सारे पानी भरे हुए हैं, तो दो पॉट में के मिट्टी सूखे हुए, एक के मिट्टी गीले हैं। तो आज मैं इसमें थोड़ा सा खाद भी देने वाली हूँ, और इसमें फ्रेंड्स ऐसा खाद हमें देना है आज जिससे कि इसके ग्रोथ भी ठीक हो और इसमें फूल भी भर के आए। क्योंकि फ्रेंड्स अभी देखिए बारिश का पानी मिल रहा है, बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो हम अगर ग्रोथ वाले फर्टिलाइज़र नहीं भी देंगे तभी चलेगा, पर हमें फूल वाले फर्टिलाइज़र देना है। तो फूल लेने के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र देसी फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स, कि केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र रहता है, या तो आप केले के छिलके को सुखा के रख लो तो उसका पाउडर बना के, या तो सूखे हुए छिलके ऐसे डाल दो, या तो केले के छिलके को पानी में डाल के वो पानी दो। तो वो तो मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ, पर अभी ना इस सब के मिट्टी सूखे हुए हैं। तो आज ना मैं इसमें चाय पत्ती से जो यूज किया हुआ चाय पत्ती रहता है उससे जो खाद बना के रखी हूँ वहीं डाल रही हूँ। तो देखिए इसमें मिट्टी मिला हुआ है, और इसको बंद करके रखी हूँ, तब भी देखिए ये गार्डन में ही रखा हुआ है तो इसमें थोड़ा पानी चला गया है, तो इसको मैं बाद में थोड़ा धूप लगा दूँगी, अभी तो धूप निकलते नहीं है। और इसमें देखिए बीज है झड़ झड़ के जो गिरे हैं उससे ना बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, तो मैं इसको ज़्यादा अभी छेड़ूंगी नहीं। और इसमें देखो सफ़ेद वाले का बीज यहाँ पे झड़ा हुआ है तो इसमें भी बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, तो ऐसे ही रहने देती हूँ तो कुछ पौधे बड़े हो जाए जिससे कि। और इसके देखिए मिट्टी थोड़े गीले हैं, तो आज अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा खाद दे देती हूँ तीनों में। तो फ्रेंड्स लगातार फूल लेने के लिए लगातार हमें खाद भी देना पड़ता है, तो देखिए मैं खाद डालने के बाद इसमें ना हल्की हल्की से गुड़ाई कर दूँगी, आज पानी नहीं दूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है तो पानी तो होता ही रहता है, तो आज नहीं दूँगी, जिससे कि गुड़ाई करने के बाद थोड़ा हवा भी लग जाए, और जो भी हम अभी खाद देंगे ना वो थोड़ा ऊपर नीचे मिट्टी कर दूँगी तो थोड़ा अंदर चला जाएगा, नहीं तो ऊपर में ही रहेगा, और जैसे ही बारिश होगा तो बारिश के पानी के साथ ये भी बह के निकल जाएगा, तो हमारे पौधे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए ये इसमें ना पानी चला गया है इसीलिए थोड़ा सा गीला है, तो भी तो धूप रहती नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सुखा देती तो धूप का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है फ्रेंड्स, धूप में भी बारिश आ जाती है।
तो अभी मैं फैला के छोड़ नहीं सकती, तो एक दो दिन बाद इसको ना देखूंगी, जब धूप अच्छे से निकल रहा है तब थोड़ा धूप लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, से सदाबहार को हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं, जैसे इसका नाम है सदाबहार वैसे ये सदाबहार ही है पौधा। तो इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीज से भी उगा सकते हैं। तो बीज तो इसमें बहुत सारे बनते रहते हैं, इसमें ना बहुत सारे फली बनते हैं, तो उसमें जब वे काले हो जाते हैं फली में बीज, तब ऊपर से पता चल जाता है, तो उस टाइम आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, या तो आप पॉट में ही उसी टाइम डाल दो तो अपने आप ही उगते रहते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे फली बने हुए हैं, तो सफ़ेद वाले में सभी में बने हुए हैं, तो अपने आप ही उगते रहते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बीज बनते हैं। तो अगर आपको फूल ज़्यादा चाहिए तो बीज मत बनने दो, जब छोटा छोटा ही रहता है तो पिंच करके हटा दो, तो उससे बीज बनने में भी फ्रेंड्स जो भी हम खाद देते हैं वो लग जाते हैं, तो फूल कम आते हैं। तो आप हटा भी सकते हो, नहीं अगर बीज रखना है तो आप बीज रख भी सकते हो। तो आप इसको कटिंग से भी उगा सकते हो, पर फ्रेंड्स इसमें ना कटिंग से उगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें इतने सारे फूल आते ही रहते हैं, तो बहुत सारे बीज बनते हैं, तो आप बीज से ही उगा लोगे बहुत आसानी से, बीज से ना जल्दी उग भी जाते हैं और वैसे कटिंग भी लग जाता है, पर मुझे बीज से ही उगाना अच्छा लगता है इसका। और इसको हम धूप वाले जगह में रखेंगे फ्रेंड्स, पानी जब मिट्टी सूख जाए तभी देना है, धूप लगेगा तभी इसमें अच्छे से फूल आएगा। और बारिश के टाइम में तो धूप इसको चाहिए पूरे दिन के, और गर्मी में भी ये भीषण गर्मी में भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से रह जाते हैं, और सर्दी में थोड़े इसके ब्रांच सूख जाते हैं पर नीचे से ग्रोथ स्टार्ट रहते हैं। तो अभी जो भी बीज बन रहे हैं ना उसको आप स्टोर करके रख लो, आप फरवरी में सर्दी ख़त्म होने के बाद उगा सकते हो, अगर आपके पौधे ख़राब हो गए तो। तो वैसे हमारे चैनल पर सदाबहार पे बहुत सारे पौधे हैं, सॉरी वीडियो है, कई वीडियो मैं बना के डाली हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं जो अनुभव करती हूँ जिस पौधे के साथ वो मैं आप सबको शेयर करती रहती हूँ अपने वीडियो के जरिए। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स इसको गार्डन में रखना बहुत ही आसान है, तो इस पौधे को ज़रूर ही शामिल करें, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं सदाबहार के। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स आप सबके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस पौधे को अपनी बगिया में ज़रूर ही शामिल करें। अभी मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, आगे कोशिश करूंगी कि मैं रोज़ ही लॉन्ग वीडियो डालूं, क्योंकि मेरे चैनल का रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, लॉन्ग वीडियो पे बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइव और शॉर्ट में जो भी व्यूज़ आ रहे हैं लॉन्ग वीडियो पे नहीं आ रहे हैं। तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ही डालने की कोशिश करूँगी और आप सब तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।